हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इट्स बाई वेक एंड आई एम बैक विद अंदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से अपने रेडमी 4A मोबाइल में कोई भी कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी रेडमी मोबाइल में कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन का बूट लोडर ऑन होना चाहिए, मतलब कि अनलॉक हो जाना चाहिए। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि TWRP को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट वो है रेडमी 4A आपके पास मोबाइल होना चाहिए, जिसमें कि बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए उसका। और अगर आपने बूट लोडर अनलॉक की वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर कार्ड में लिंक शो हो रही है, वहाँ देख सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पर होना चाहिए TWRP रिकवरी होनी चाहिए रेडमी 4A की। उसके साथ ही आपके पास उसका PC या लैपटॉप होना चाहिए, डेटा केबल होनी चाहिए, ADP ड्राइवर्स होने चाहिए और कुछ दिमाग भी चाहिए आपको। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोसेस की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास रेडमी 4A है और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इसके एडिशनल सेटिंग्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एडिशनल सेटिंग्स में जाके सबसे पहले मैं डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर दूंगा, जिससे कि आप को अपने फ़ोन को कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके, एडिशनल सेटिंग में जाके आप डेवलपर ऑप्शंस में, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो MI अनलॉक स्टेटस है वो है अनलॉक्ड दिखा रहा है। तो मतलब कि ये इसका बूट लोडर जो है अनलॉक है, तो ये प्रॉपरली हम इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टम रोम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस अपने रेडमी 4A या फिर कोई भी आपके पास रेडमी मोबाइल हो उसको पहले तो डेटा केबल से कनेक्ट करेंगे हम अपने लैपटॉप या PC से। और यहाँ पर जो USB डिबगिंग आपको दिख रही है, इस USB डिबगिंग को आपको ऑन कर देना है, जिससे कि आपका जो मोबाइल हो प्रॉपर तरीके से आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सको और बाकी कमांड भी दे सको प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी ADB ड्राइवर्स की, और उसके साथ ही आपको चाहिए रिकवरी फाइल की इमेज। तो दोस्तों, ADB ड्राइवर का जो फोल्डर है उसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, और उस फोल्डर को आपको डाउनलोड करके पूरा कॉपी कर देना है C ड्राइव के अंदर। तो सब ADB फोल्डर में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको शिफ्ट और राइट क्लिक करना है, और वहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ओपन पावर शेल विंडो या ओपन कमांड विंडो हियर, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला कमांड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ADB डिवाइसेस। तो ADB डिवाइसेस लिखने के बाद आपका जो दूसरा कमांड प्रेस करना है वो है ADB रिबूट बूट लोडर। दोस्तों, ये करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो फास्ट बूट मोड में आ जाएगा, और कुछ ऐसा रोबोट का साइन आ जाएगा आपके मोबाइल में, मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो है, जो तीसरा कमांड है वो है TWRP फ्लैश करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो TWRP रिकवरी है हमें उसे कॉपी कर लेना है अपने इस ADB वाले फोल्डर में, और उसके बाद ये कमांड हमें राइट करना है और एंटर करना है, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। और उसके बाद जो मैंने रिकवरी दी है, देखिए जो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने रिकवरी का नाम चेंज कर रहा हूँ, तो दो जो नाम आप रिकवरी का रखेंगे वही नाम वहाँ पे आप इंटर मारेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रिकवरी का अपने recovery.img नाम रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी स्पेस recovery.img ये कमांड में एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपिंग, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिख के आ रहा है, और उसके बाद सबसे नीचे आप देख सकते हैं फिनिश्ड लिखा हुआ है। दोस्तों, इसका मतलब कि आपकी जो कस्टम रिकवरी है वही प्रॉपरली फ्लैश हो चुकी है। और दोस्तों, अब आपको कस्टम रिकवरी में बूट कराना होगा, तो उसके लिए जो कमांड है फास्ट बूट बूट recovery.img, दोस्तों जब ये कमांड आप इंटर करेंगे तो फिर आपकी जो कस्टम रिकवरी जो फ्लैश हुई है आप उसमें बूट कर जाएंगे, मतलब कि आपके मोबाइल में वो कस्टम रिकवरी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर जो ये कमांड मैंने डाल दिया है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी टीम विन का लोगो भी आ चुका है मेरे मोबाइल में, तो ये देखिए रिकवरी भी ओपन हो गई है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब आप यहाँ से डेटा केबल निकाल भी सकते हैं, और देखिए यहाँ पर जो TWRP रिकवरी है ये प्रॉपरली मेरे मोबाइल में शो हो रही है। और आप यहाँ पे जो भी कोई कमांड है, इंस्टॉल फ्लैशिंग फॉर्मेटिंग कस्टम रोम बैकअप लेना कैमरा TPI इनेबल करना, तो आप ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि आपको बूट लोडर अनलॉक करने के बाद इंपॉर्टेंट काम कस्टम रिकवरी डालने का है वो हो चुका है आपका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, और अगर इस प्रोसेस को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यार आप टेलीग्राम पे जुड़ के आप हमसे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका जरूर से जरूर प्रयास करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।